हेलो दोस्तों, आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। कल कंपार्ट का फॉर्म फिलअप करने का डेट सीबीएसई बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे, ऑफिशियली वेबसाइट पे उसने सबके सामने डिक्लेयर कर दिया था, बट किसी कारण से उसने फिर वो लिंक वहाँ से डिलीट कर दिया। अब क्या रीज़न है डिलीट करने का वो मुझे नहीं पता, तो मैंने उस लिंक को देख के मैंने आप लोगों के सामने मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिया था कल। बट कुछ बच्चे फिर से कमेंट किए कि सर ये तो लिंक है ही नहीं, तो मैं कैसे मैं फिलअप करूं या फिर कैसे पता करूं। तो फिर मैंने सीबीएसई के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर जाके देखा, तो उधर कुछ मैसेजेस बहुत लोगों के थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ टाइम लगेगा, कुछ एरर्स आ गए हैं इसके कारण से वो हटाना पड़ा वहाँ से। तो आप लोग प्लीज़ वॉच करें, वेट करें और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें कंपार्ट के लिए। तो ये सबसे दुख की बात है कि वो फॉर्म का डेट आया, ये फॉर्म का जो भी इंफॉर्मेशन आया वो हट गया, तो हो सकता है कुछ एरर्स होंगे उसमें। ओके, तो आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी अच्छे से रखें। और आप सबको पता होगा कि पूरे इंडिया में तकरीबन 1,70,000 या 80,000 के आसपास जो भी हैं स्टूडेंट्स जिनका कंपार्ट और आरटी लगा है, तो वो फिर से वो एग्ज़ाम देने के लिए उनके पास ये मौका आने वाला है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप करें जैसे ही वो डेट आता है। तो हो सकता है कि अगले वीक, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में वो फॉर्म फिलअप करने का डेट आ जाएगा, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉलेज ही फिलअप करेगा। आपको कोई आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस लेकिन आपको अपने कॉलेज वालों को इन्फॉर्म कर देना है कि ऐसा है कि अगर मेरा सर मेरा आप देख लेना, मतलब एक तरह जस्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप उससे बात कर लेना सर से, अपने स्कूल वाले से। और जो प्राइवेट हैं वो जो इरेगुलर हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उनके लिए सीबीएसई बोर्ड एक लिंक आपको देगा और आप उसको लिंक को फिलअप कर सकते हैं घर बैठे या फिर कहीं भी किसी के हेल्प से आप फॉर्म फिलअप कर देंगे और ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। और फी जो निकाला था उसने 300 रुपया, 300 रुपीज़ उसने निकाला था जो कल के वीडियो मैंने बनाया, और फाइन के साथ शायद 2,000 वो फाइन लगा के वो बता रहा था। और आप उस डेट के बाद लगाते हैं तो 300 से अधिक नहीं होने चाहिए, उससे कम ही हो पर सब्जेक्ट। तो आप फिलअप करें, दो जिनका दो कंपार्ट लगा है वो बिल्कुल दोनों के दोनों को क्लियर करें, और जिनको इम्प्रूवमेंट करना है तो जिनका जो पास हो चुके हैं बट वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो फिर से वो एक पेपर के लिए वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ओके दोस्त, तो आप लोग वेट कीजिए, जैसे ही वो फॉर्म लिंक आता है मैं फिर से आपको शेयर करूंगा। ओके, और आप लोग अपना पढ़ाई चालू रखें और बिल्कुल हताश ना हो, आपका भी रिजल्ट फाइनल आ ही जाएगा, आप पास कर जाएंगे और दुखी नहीं हो बिल्कुल। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल स्ट्रांग रहें और अपना कॉन्फिडेंस मत खोएं कि मुझे कंपार्ट लग गया है। ऐसा होता है, एक पेपर या दो पेपर में किसी कारण से हो गया होगा, तो इसके लिए आप पूरे अपने आप को परेशान मत करें और समाज के चक्कर में ना पड़ें, अपने फैमिली का सपोर्ट लें और पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। ओके, तब तो तक लिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नया नया वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, और फिजिक्स के लिए मेरे चैनल से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूवमेंट कीजिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए इस चैनल के थ्रू। ओके थैंक यू।